अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द टेकमैन चैनल। अच्छा, जो काफ़ी दिनों के बाद आज हम एक गाड़ी की अनबॉक्सिंग लेके आ रहे हैं, और काफ़ी दिनों के बाद जो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता है बीच में डॉलर के जो हालात थे, ये जो सारी चीज़ें हैं इंपोर्ट की हैं तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी चीज़ें, प्लेन गाड़ियाँ, और मतलब हमारी जो हॉबी है वो बिल्कुल बैठ गई थी। तो खैर, काफ़ी अर्से के बाद एक गाड़ी है जिसकी मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। WLTS आपको पता है एक बड़ी फेमस कंपनी है जो कि बजट रेंज के जो है वो अपने प्लेन, हेलीकॉप्टर और गाड़ियाँ जो है वो बनाती है बजट सीरीज़ में। तो ये है हमारे पास WLTS की A969B। A969 सिंपल मॉडल भी है, लेकिन A969 ये बी मॉडल है उसका, थोड़ी सी अपग्रेडेशन के साथ। और ये इसका बॉक्स है, पहले हम इसके बॉक्स के ऊपर थोड़ी सी इसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसको खोल के अनबॉक्स करेंगे। और वैसे साइज़ काफ़ी बड़ा है इस गाड़ी का, तो हम खोल के चेक करते हैं। और ये है 70 किलोमीटर पर आवर इसकी जो कंपनी है वो क्लेम करती है स्पीड ये पकड़ती है। इसके अलावा जो स्केल है इसका 1/18 स्केल की ये गाड़ी है, और इसके अलावा जो कलर है इसमें ब्लू है। 70 किलोमीटर जो है यहाँ पे मेंशन है। लाइपो बैटरी इसके साथ आती है 2 सेल, वो भी हम चेक करेंगे। इसके अलावा रेडी टू रन है और 14+ AGs पे है, मतलब थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए इस गाड़ी को दौड़ाने के लिए, क्योंकि काफ़ी स्पीडी है। इसके अलावा डेजर्ट में, ऑफ रोड, पत्थरों पर, माउंटेन, कहीं भी आप इसको फ्लाई कर सकते हैं। साइड पर इसके कुछ और मॉडल्स डब्बे के मेंशन है, जैसे कि यहाँ पे A959B, ये काफ़ी अच्छा मॉडल है इनका। इसके अलावा यही मॉडल मेंशन है A969B, इसके अलावा A979 है, A929 है, जो सीरीज़ आती है उन सब की इन्होंने मॉडल्स बताए हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। फॉरवर्ड है, यानी कि फोर व्हील एक साथ चलते हैं, जिससे इसकी जो पावर कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, ग्रिप अच्छी बन जाती है, और काफ़ी कलरफुल इसका बॉक्स है। तो अभी हम करते हैं इनको अनबॉक्स। साइड पर कुछ पिक्चर्स वगैरह दी हुई हैं, यानी कि बड़ा बॉक्स है। मैं पहले इसको बॉक्स में से निकाल लेता हूँ और फिर चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो भाई, बॉक्स से मैंने इसको कर लिया आउट, थोड़ा सा मैंने इसकी जो क्लिप वगैरह लगे हुए थे टाई क्लिप वो मैंने खोले हैं। तो बॉक्स को ज़रा कर देते हैं साइड पे। ये है हमारे पास WLTS की A969B, अब देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। तो पहले जो हमें मिलती है इसके अंदर वो है हमारे पास इसकी मैनुअल, और इसका जो चार्जर है वो भी इसके अंदर मौजूद है। साथ में टूल किट है, आप इसके जो टायर वगैरह हैं उसके जो स्क्रू वगैरह है वो ओपन कर सकते हैं, टायर चेंज कर सकते हैं। चार्जर जो है वो इसकी बैटरी में, इसकी जो बैलेंस पोर्ट है वो दी हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं बैलेंस पोर्ट। और जो ये चार्जर है ये तकरीबन है 2.5 एम्पेयर का ये चार्जर है, आप देखें तो, और 2000 mAh आउटपुट है इसकी। इसके अलावा इसकी मैनुअल है, और मैनुअल आपने लाजमी पढ़नी है ताकि इसको ऑपरेट कर सके। दो चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं इसकी मैनुअल के साथ, इसका जो बैटरी वगैरह शायद उसके अंदर। और पहले हम कर लेते हैं इसका ज़रा रिमोट कंट्रोल चेक। तो रिमोट कंट्रोल देखें इसका, काफ़ी जो WLTS अपनी जो बड़ी गाड़ियाँ उनके साथ देता है उस तरह का है, काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे आप देखें इसका ऑन ऑफ का बटन है, और नीचे जो है इसके वो 4 सेल आप देख सकते हैं। इसमें आप डालेंगे 1.5 वोल्ट के, कोई भी रिचार्जेबल भी डाल सकते हैं, सिंपल जो हमारे वॉल क्लॉक में डालते हैं वो वाले। इसके अलावा देखें इसकी ग्रिप अच्छी है, फॉरवर्ड और रिवर्स इसमें दोनों फंक्शनैलिटी है। और यहाँ पे इसका ये मेन ट्रिगर है जिसे हम थ्रॉटल भी कह सकते हैं, आप पीछे पुश करेंगे तो गाड़ी आगे की तरफ जाएगी, और आगे करेंगे तो पीछे की तरफ रिवर्स आएगी। ये इसका एंटीना है, तो लॉन्ग रेंज के लिए आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बटन है, इसके ट्रिमिंग बटन है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं क्लोज करके दिखाता हूँ। ये इसके कुछ बटन हैं, आप इसकी स्टेयरिंग की मूवमेंट ठीक कर सकते हैं, मतलब गाड़ी अगर अलाइन करनी है आपने तो आप इसके 2 बटन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा थ्रॉटल ट्रिमिंग के लिए भी इसके अंदर बटन दिए गए हैं 4, लेफ्ट राइट के लिए और आगे पीछे के लिए, तो आप इसके अंदर ट्रिमिंग भी आसानी से कर सकते हैं। और इसके अलावा रिमोट में कोई बटन नहीं है, मतलब 4 बटन वो हैं, एक ट्रिगर है, इसके अलावा पावर बटन है, तो इसको हम कनेक्ट करके भी चेक करेंगे। रिमोट की जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं, खूबसूरत भी है और काफ़ी हैंडी है, मतलब आप इसको आसानी से पकड़ के ग्रिप कर सकते हैं। तो ये तो है इसका रिमोट कंट्रोल। अब आ जाते हैं हम अपनी मेन गाड़ी की तरफ। तो भाई, ये है गाड़ी, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी है, काफ़ी हैवी है ये गाड़ी ना, खैर काफ़ी बड़ी गाड़ी है। और आप देख सकते हैं इसका बॉडी शेल उतारते हैं और देखेंगे नीचे से, मैं आपको दिखा दूँ, बिल्कुल प्लेन है, और ये आई थिंक सख्त प्लास्टिक है। और बाकी हम इसके ये क्लिप निकाल लेते हैं, इसका बॉडी शेल ओपन करके देखते हैं ज़रा अंदर से बैटरी वगैरह इसकी। क्लिप करते ही मैंने निकाल लिए, और ये है इसका बॉडी शेल जो कि काफ़ी, यानी कि हार्ड है। तो इसका बॉडी शेल है, और इसका हम लोग साइड पे, ये है जो गाड़ी मेन, और आप इसमें देख सकते हैं इसमें लाइपो बैटरी है, वो भी हम चेक कर लेते हैं कितनी कैपेसिटी की है इसमें बैटरी, इजीली आप इसके बैटरी को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें जो बैटरी हमारे पास लगी हुई है 7.4 वोल्ट, 1500 mAh की बैटरी है, 1500 mAh की इसके अंदर बैटरी है, और ये 2 सेल बैटरी है, और ये लाइपो बैटरी है, मतलब दूसरी नहीं है जैसे NMH सेल आते हैं। तो लाइपो बैटरी का डिस्चार्ज रेट ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी जो स्पीड है वो भी आपको 70 किलोमीटर पर आवर देखने को मिलेगी, क्योंकि लाइपो बैटरी का जो डिस्चार्ज रेट है वो बाकी बैटरियों से ज़्यादा होता है।
तो इसमें टू सेल बैटरी आती है, इसको देखते हैं। इसके अलावा देख लें, इसका जो मोटर है काफ़ी बड़ी मोटर लगी हुई है इसके अंदर, ये ब्रश्ड मोटर है, ब्रशलेस नहीं है, लेकिन स्पीड फिर भी इसकी अच्छी खासी होगी। और इसके अलावा इसके अंदर ये ऑन ऑफ का बटन लगा हुआ है, यहाँ पे इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। ये जो पूरी इसकी ESC है वो इस सर्किट बोर्ड और सिग्नलिंग सब एक ही बोर्ड के अंदर दिया गया है, इसकी ESC बिल्ट इन है इस बोर्ड के साथ। यहाँ पे लगी हुई है 17 ग्राम की सर्वो, आई थिंक जो मैंने देखा 17 ग्राम की सर्वो है जो इसकी जो स्टीयरिंग है व्हील उसकी मूवमेंट करेगी। और इसके अलावा ये देख सकते हैं आप कि जो इसके सस्पेंशन है या जो शाफ्ट हैं वो एलुमिनियम की शाफ्ट हैं, तो टूटेंगी नहीं, वरना आम जो आती हैं वो प्लास्टिक की आती हैं, प्लास्टिक वाली जल्दी टूट जाती हैं। तो आप देख सकते हैं एलुमिनियम की जो है ना इसकी शाफ्टें डली हुई हैं। इसके अलावा सस्पेंशन तो भाई इसके देखें आप, सस्पेंशन इसके आउट क्लास हैं, आगे पीछे दोनों सस्पेंशन इसके ज़बरदस्त किस्म के देखें आप, तो काफ़ी जो है ना सस्पेंशन इसके ज़बरदस्त हैं। और यहाँ पे मोटर है इसकी, ये सर्वो लगी हुई है जैसे मैंने देखा, ये है इसका सिग्नलिंग एंटीना, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अभी हम क्या करते हैं कि इसकी बैटरी को लगाते हैं, इसको कनेक्ट करके ज़रा इसको चेक करते हैं। तो बैटरी मैंने इसकी वापस लगा दी है, अभी हम क्या करते हैं रिमोट कंट्रोलर के अंदर जो है पहले हम सेल डाल लेते हैं अपने। तो आप चार कोई भी रिचार्जेबल ले लेंगे तो अच्छी बात है, बार बार आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास अभी ये तोशिबा की अवेलेबल हैं तो मैं इसको डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर जी सेल डल चुके हैं और हम इसको करते हैं ऑन। तो देखें जैसे मैंने किया है इसको ऑन, तो इसकी जो लाइट है वो ब्लिंक होनी शुरू हो गई है, ये देख सकते हैं। अब हम ज़रा गाड़ी को है वो कर लेते हैं। गाड़ी के लिए आपको जस्ट सिंपल इस ये जो बैटरी की ये पोर्ट है बैलेंस पोर्ट, मैं आपको ऊपर करके दिखाता हूँ, ये जो पोर्ट है ना बैलेंस पोर्ट, इसको तो आपने करना है चार्ज, चार्जर के लिए यूज़ करना है इस वाइट वाली को। और जो ये है ये ESC से आई हुई और बैटरी, इसको आपने कर देना कनेक्ट। तो मैं इसको भी कनेक्ट करके चेक करता हूँ। तो यहाँ पे ये गाड़ी भी कनेक्ट हो चुकी है, लेकिन अभी ऑन नहीं होगी क्योंकि जब तक हम इसका ये बटन ऑन नहीं करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम इसको करते हैं ऑन, गाड़ी ऑन हो चुकी है, देखें इसकी लाइट ब्लिंक करनी शुरू हो गई है रेड वाली। तो अभी हम क्या करेंगे, जस्ट रिमोट से एक दफ़ा ट्रिगर जैसे हम करेंगे कनेक्ट हो जाएगी। ये अल्लाह खैर, बड़ी स्पीड है यार इसकी, ये मेरे हाथ से निकलती थी अभी, यानी कि मैंने हाथ में पकड़ी हुई है। उसके बाद देखें काफ़ी प्रेशर है, स्पीड आप देख सकते हैं, मैं उसकी आवाज़ सुनवाता हूँ इसकी। सेमल्टेनी तो 60 प्लस तो ये लाजमी जाएगी। तो ये रिवर्स है और ये देखें आप इसका ना जो मतलब फॉरवर्ड क्या है ना, देखें ट्रिगर देते ही ये गाड़ी हाथों से निकलती है। अगर मैंने इसको थोड़ा सा और काबू से ना पकड़ा होता तो अभी तक गिर जाती। खैर काफ़ी स्पीड है इसकी, ये मैं अब यहाँ इसको ट्राई नहीं कर सकता, तो कोशिश करूँगा जो इसकी जो टेस्ट यानी कि रन है वो मैं आपको दिखा सकूँ। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी है, काफ़ी हैवी है, इसलिए जो सबसे बेस्ट चीज़ें इसकी, एक तो सस्पेंशन इसके और जो शॉफ्ट हैं वो एलुमिनियम की है, वो जल्दी से नहीं टूटेगी। तो बाकी है इसकी, अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल और लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। ये थी आज की अनबॉक्सिंग, और अगर टाइम मिला तो इसकी टेस्ट रन भी आपको चेक करवाएंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, कीप वॉचिंग द टेक मैन। अल्लाह हाफिज़।